दोस्तों, क्या हाल चाल है? बस सब ठीक ठाक है। दुआ करता हूँ आप सब लोग भी ठीक होंगे। मैं बल्लू इन यूके अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आपकी सेवा में फिर हाजिर हूँ। आज वेदर जरा थोड़ा ऐसे ही था, बारिश थी, आंधी तूफान, फिर दोबारा बारिश, फिर मौसम है, धूप निकल आती है। इस पेड़ों की क्या कंडीशन है? इस बुरी तरह से पेड़ हिल रहे हैं कि जैसे कि बस तूफान ही आने वाला है। ये देखो, देख सकते हो क्या हाल है। इतनी तेज हवा चल रही है कि बस अगर बंदा बाहर कराए 2 मिनट में ठंडा हो जाए। ये हाल देखो पेड़ों का ना। ये हमारा गार्डन है पीछे का। ये हमारे पड़ोस वाले गार्डन है। क्या गंद मचाया हुआ उसने, देखा आपने? देखो कितनी तेज आंधी तूफान चल रही है। दोस्तों, थोड़ी देर पहले मैंने आपको लंदन का वेदर दिखाया था, 15-20 मिनट पहले का सीन, और उसके बाद देखो क्या हाल हो गया। इतनी तेज करारी धूप निकल आई है कि वेदर इतना अच्छा हो गया है कि बस लोग अपना बाहर फिर निकल पड़े हैं। धूप इतनी तेज निकल गई है, बारिश का नामो निशान ही खत्म हो गया। भाई लोग, वेदर फिर दोबारा खराब होने लगा, लेकिन हमारी गाड़ी की बैटरी जरा डाउन हुई है ना, तो उसको तो ठीक करना जरूरी है। मेरी गाड़ी की बैटरी ठीक है, बिटिया की गाड़ी की बैटरी डाउन है। मैं चार्ज करवा के लाया था, ये देखो यहाँ पड़ी हुई है, चार्ज करवा के लाया था, बड़ी भारी है। तो आज इसको जरा हम चेंज करने जा रहे हैं कि क्या इसको चेंज करें। तौसीफ है, ये मेरे इस मामले में हेल्प करेगा। तौसीफ ये डिक्की बंद कर दे, खड़ी ना। तौसीफ का इंट्रोडक्शन मैं आपको बाद में दूंगा, ये हमारे साथ ही रहता है और हम सब लोग मिलके साथ सब शेयर करते हैं। उठा ले बैटरी ना, दो तो बंद कर। अब हम लोग जरा बैटरी फिक्स करने की कोशिश करते हैं, क्या होता है सारा दिन में, क्या क्या कारगुजारी हम करेंगे। बारिश आने से पहले हम दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि तौसीफ भाई बहुत एक्सपर्ट है इन मामलों में बैटरी को फिट करने में। तो हम लोग कोशिश करेंगे इसे बैटरी को फिट करें। अपने चेहरे से मास्क तो हटा भाई मेरे, उस चीज में ये चीज। हाँ, यहाँ बैटरी इसको फिट करेंगे हम लोग, निकालते हैं इसको। तो उसको बैटरी उठा के वहां रख ले, शाबाश। ये तो मेरे इस मामले हेलो तो कर दे भाई। हाँ, ये इस मामले में हेल्प करेगा बैटरी फिट करने में। कल को तो मुकर ना जाए, क्योंकि उसको बैटरी फिट करनी आती है कि नहीं आती है। तो इस हिसाब से बैटरी फिट करते हैं, देखें क्या। ये कहते हैं मैं बहुत ही एक्सपर्ट हूँ, यहाँ तो अच्छे अच्छे बंदों की वॉट लग गई है कि उसके अंदर लॉकडाउन ने अच्छे अच्छे बंदों की वॉट लगा दी है, तो हमारी गाड़ी की भी अच्छी से वॉट लगी। गाड़ी मेरी नहीं है, तो अंकिता ही गाड़ी है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करके इसको ठीक करें, करना ही पड़ेगा इसको टाइट करके। ये टूल ले, इसको लगाना पड़ेगा बेटा, नहीं तो इसके बगैर इससे नहीं होगा, इससे होगा। ये लगा इसको, हाँ इसको खोल, इसको पहले इसको टाइट करना पड़ेगा। वायरिंग का देख लेना, नहीं तो वायरिंग उड़ गई ना तो गाड़ी चलने से भी रह जाएगी। हाँ, ये इसको टाइट कर रहा है बराबर तरीके से। कितने बादल उधर से छाए जा रहे हैं, जो एकदम काला वेदर हो गया है। अभी थोड़ी देर में बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो जाएगी दोबारा से। तो लंदन का वेदर वही WWW, कोई भरोसा नहीं है लंदन के वेदर का ना। आप जितना मर्जी कई चीजों में आप कंट्रोल कर सकते हो, पर लेकिन यहाँ के वेदर पे कोई कंट्रोल नहीं है। दो पल में तोला, पल में माशा, ये वाला हाल है। देखिए कितने घने काले बादल हो गए हैं, बिल्कुल अंधेरा छा गया। अभी बहुत तेज कड़कती हुई धूप थी, मुझे लगता है एम्बुलेंस की आवाज आ रही है। कहीं एम्बुलेंस जा रही है शायद, क्या पुलिस आ रही है? हाँ, एम्बुलेंस, इमरजेंसी एम्बुलेंस आ रही है। ये आप देख सकते हैं इमरजेंसी एम्बुलेंस। ये सब कोरोना की वजह से सारे हॉस्पिटल्स वगैरह सब बिजी हैं, सब उसी में लगे हुए हैं। मतलब एम्बुलेंस NHS स्टाफ की बहुत हिम्मत है यहाँ पे, जो कि इतना काम कर रहे हैं। हमें ऐसे लोगों का हमेशा प्रोत्साहन करना चाहिए। और एक हमारे देश में है, वो लोग डॉक्टरों पर ही पत्थर मार रहे हैं, ये बहुत निंदा के लायक बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो डॉक्टर इस टाइम तो भगवान है हमारे लिए। यहाँ पे देखो डॉक्टर कितना मेहनत कर रहे हैं, हर जगह डॉक्टर मर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने उससे पीछे नहीं हट रहे हैं, वो अपना काम पूरा कर रहे हैं। गाड़ी की कंडीशन तो मुझे कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है। इसमें चार चार लाइटें जल रही है, इंजन की लाइट है, ब्रेक ऑयल की लाइट जल रही है, और ये स्टेयरिंग व्हील, माय गॉड, मुझे लगता है स्टेयरिंग व्हील बहुत हार्ड हो गया, बहुत जाम हो गया, मूवमेंट ही नहीं हो रही है इसके अंदर ना। इसका लगता है पावर स्टेयरिंग सिस्टम खराब हो गया, मुझे वो भी चेक करवाना पड़ेगा। जैसे मौका लगेगा मैं जाके चेक करवाऊंगा इसको ना। ओ जी, जैसा मैंने कहा था, वेदर का हाल देख लो। दो मैं गाड़ी के अंदर ही बैठा हुआ हूँ, गाड़ी स्टक हुई है क्योंकि गाड़ी को मैंने स्टार्ट करके रखा हुआ है, तो ताकि थोड़ा सा बैटरी उसकी चार्ज अप हो जाए। लेकिन 2 मिनट के अंदर ही आपने देख लिया ना कैसा वेदर का हाल हो गया यहाँ पे। तो वही आंधी तूफान स्टार्ट हो गया, ये देखो बहुत ही बुरा हाल है। इतनी तेज बारिश हो रही है, लोगों का हाल देख लो क्या हुआ है। माय गॉड, आ
आज रात को 7 डिग्री टेम्परेचर होने वाला है, 7 डिग्री, 7 डिग्री टेम्परेचर रात को हो जाएगा। अभी 13 डिग्री है इस टाइम दिन के मौसम में, रात को बहुत ठंडा हो जाएगा। तो लंदन की बहुत सारी खासियतें भी है, बहुत सारी खामियां भी है, और ज्यादातर खासियतों में और खामियों में बहुत तरह के हर जगह पर होती है, ऐसा कुछ नहीं है उस चीज के अंदर। लेकिन यहाँ के वेदर का, जैसे कि मैं आज आपको वेदर के बारे में बता रहा हूँ, यहाँ के वेदर में लोग गर्मियों में भी लोग जैकेट अपने साथ रखते हैं और अम्ब्रेला जरूर साथ होता है, छोटा पर्स में अम्ब्रेला जरूर होता है, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं, न जाने कब आ जाए, मौसम एक सेकंड में पलट जाता है उस चीज में। तो यहाँ पे लंदन का वैसे मौसम खुशनुमा और खुशगवार रहता है, मोस्टली मई जून के मौसम में जब थोड़ा सा धूप अच्छी हो जाती है और वेदर नाइस हो जाता है। लेकिन सर्दियों में तो यहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है और टेम्परेचर मोस्टली -1 डिग्री -2 डिग्री के आसपास चला जाता है। लेकिन जो घूमने फिरने का यहाँ पे मौसम है, लंदन में घूमने फिरने का मौसम है, वो ज्यादातर मई जून जुलाई अगस्त तक रहता है, तब टूरिस्ट लोग बहुत आते हैं, अपने इंडिया से बहुत लोग आते हैं तो घूमने फिरने के लिए, तो वही नाइस टाइम रहता है घूमने का। मैं भी आज से 15 साल पहले यहाँ लंदन आया था अपनी फैमिली के साथ, तो शुरू शुरू में बड़ा अजीब सा लगा यहाँ का कल्चर, यहाँ का माहौल, लेकिन जैसे जैसे हम लोग यहाँ रहते गए तो हर एक चीज यूज टू होती गई, कि क्योंकि हम बेसिकली अंग्रेजों के इलाकों में, गोरों के इलाकों में तो आए, लेकिन साउथाल जैसा कि मैंने बताया ना आपको, मिनी पंजाब है, तो यहाँ पे आके हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग कहीं अपने इंडिया से दूर है। धीरे धीरे हम लोग यूज टू होते गए और यहाँ के माहौल में रचते बसते गए, अब तो सब कुछ अपना सा लगता है, ऐसा लगता ही नहीं कि हम लोग मतलब किसी गैर कंट्री में या कहीं और बैठे हैं, सब अपना जैसे लगता है। क्योंकि साउथाल चले आओ आप इंडिया पहुंच गए, साउथाल से 10 माइल बाहर चले आओ आप इंग्लैंड में पहुंच गए, ऐसा लगता है बिल्कुल। लंदन में बहुत से लोग आते हैं अपने इंडिया से, एशियन कंट्रीज से पैसा कमाने के लिए बेसिकली। तो जैसे लोग आजकल आप देख रहे हो, जैसे कि बिहार से और दूसरे देशों राज्यों से एक तरीके से लोग जाते हैं, मुंबई दिल्ली आते हैं काम करने के लिए, ऐसे ही हम लोग इंडिया से समझ लीजिए इंडिया से यहाँ लंदन आ गए हैं काम करने के लिए। तो काम की तलाश में आदमी आता ही है, अपना घर बदर छोड़ता ही है, अपना वतन छोड़ता है, लेकिन यहाँ पे जैसी सहूलियतें हैं वो सहूलियतों की जब आदत पड़ जाती है तो बंदा जा नहीं सकता। ये एक तरीके से एक मीठी जेल बन जाती है, एक ऐसी जेल जो कि खुली तो हुई है लेकिन जाने का मन नहीं करता किसी का। बंदा जाने का सोचता है तो वही सोचता है कि हाय मैं वहां जाके करूंगा क्या, जहां मेरी यहाँ पे इतनी आमदनी है, यहाँ पे एक आदमी काम करके 4-5 लोगों का खर्चा, इंडिया वाले घर के लोगों का खर्चा चला लेता है, तो सोचता है कि अगर अकेला मैं भी वापस चला गया तो पीछे से कौन पढ़ाएगा, बच्चों को कौन पढ़ाएगा, उनके खर्चे कौन उठाएगा, उनको हायर एजुकेशन कौन देगा। तो ये एक जो पांव में बेड़ी है ना, ये लोगों को नहीं जाने देती यहाँ से, तो उसी मजबूरी में आदमी यहाँ लगा रहता है। लेकिन फायदे हैं, यहाँ एक आदमी कमा के सब कुछ कर सकता है, इंडिया में 4 आदमी कमा के भी अपना इतना गुजारा नहीं कर पाते। जो अगर आम आदमी है, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ, जिनकी अच्छी तनख्वाहें हैं, जिनका वो है, वो तो खैर चलो कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एक मजदूर आदमी भी अगर 50 पाउंड की दिहाड़ी रोज की कमाता है तो 50 पाउंड के उसके लगा लो एक हफ्ते के वो 350 पाउंड कमाता है, 350 पाउंड कमाता है एक हफ्ते के, तो वो हद से हद 200 पाउंड 250 पाउंड भी अगर खर्च कर देता है अपने ऊपर, किराया का, मकान का, खाने पीने का मिला के और अपनी सारी जरूरतें मिला के 200-250 पाउंड भी खर्च कर देता है, तो कम से कम वो 100 पाउंड यानी 10,000 रुपये हफ्ता अपनी कंट्री में बड़े आराम से भेज देता है। तो कहने का मतलब कि महीने का 40,000 रुपये एक आम आदमी जो 50 पाउंड की दिहाड़ी कमाता है, लेकिन जिनकी अच्छी सैलरीज हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो अच्छे पोस्ट पे हैं, वो और भी अच्छा कमाते हैं, तो वो और भी अच्छा करते हैं। अगर एक आदमी 50 पाउंड कमाता है, अगर एक ही परिवार के 2 लोग यहाँ पे हो या एक ही परिवार के 3 लोग हो, तो आप सोचोगे उनकी इनकम कितनी बढ़ जाती है। कमाई एक की कमाई से घर का खर्चा चलता है, बाकी 2-3 लोगों की कमाई से बचत ही बचत होती है। तो ये एक लंदन का बड़ा सुहावना और एक लुभावना मंत्र है जो लोगों को खींचता है यहाँ पे पैसे की वैल्यू है, इंसान की वैल्यू है। मैं अभी भी गाड़ी में बैठा हुआ स्टक हुआ हूँ क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है बाहर, घर में जा नहीं सकता, जाने की तो बड़ी इच्छा कर रही, कॉफी पीने का दिल कर रहा है कि मैं अंदर जाके कॉफी बनाऊं करूं, लेकिन मुझे पता है कि बारिश इतनी तेज आ रही है कि अगर मैं बाहर निकलूंगा तो 2 मिनट 1 सेकंड में गीला हो जाऊंगा बाहर जाते जाते ही, तो इसलिए मजबूरी है, क्या कहते हैं, मजबूरी में बैठना ही पड़ेगा। थोड़ी देर बाद रुक के जाता हूँ, फिर मैं आपको भी कॉफी पिलाता हूँ। तो ये कॉफी बनाते हैं आज, लोग कहते हैं डेलगोना कॉफी बहुत अच्छी है, ब्लैक कॉफी बहुत अच्छी है, सबका अपना अपना टेस्ट है, किसी को डेलगोना पसंद है, किसी को कैपेचिनो पसंद है, किसी को लाते पसंद है, मेरे को तो अपने हाथ की बनाई हुई कॉफी पसंद है, सबका अपना टेस्ट है, बाकी दूसरी भी पी लेता हूँ मैं, लेकिन कॉफी का जो मजा है खुद बना के पीने में, चाहे कोई सी भी टेस्ट की बना के पी लो, चाहे डेलगोना पी लो, चाहे कैपेचिनो पी लो, चाहे लाते पी लो। तो अभी थोड़ी देर में मिलते हैं, मैं चाय कॉफी बनाने के लिए जाता हूँ, आपको भी कॉफी पेश करता हूँ, आप पी सके तो जरूर बताइएगा।
आपसे प्रॉमिस किया था कि मैंने कॉफी बनानी है, तो ये है मेरी कॉफी, नेस्कैफे की रेडीमेड कॉफी, बड़ी इजीली बन जाती है। इसके लिए आपने क्या करना है, एक ग्लास एक कप पानी बस गर्म करना है, प्लस इसके अंदर ये एक शैशे लगा हुआ है, इसको निकालना है और इसमें डाल देना है, दैट्स इट। ये आप देख रहे हो कि मैंने ये पैकिंग इसकी यहां से निकाल दी है और इसके अंदर ऑलरेडी मिक्स पाउडर इसके अंदर पड़ा हुआ है, बस इसमें गर्म पानी डालना है और चीनी डालनी है, आपकी कॉफी तैयार, कैपेचिनो नेस्कैफे लाटे रेडी टू ड्रिंक। आप माइक्रोवेव में पानी गर्म कर सकते हो, एक कप पानी इतना गर्म होना चाहिए जितना कि आप वो ड्रिंकेबल हो, उसको ज्यादा बॉईल नहीं करना है। आप इसको थोड़ी देर के लिए पानी गर्म करें, पानी गर्म हो जाएगा उसके बाद उसको कॉफी में डालें, आपकी कॉफी रेडी हो जाएगी। शुगर आप अपने हिसाब से डालें, जितनी आपको चाहिए उतनी आप इसमें शुगर डालें और इसको थोड़ा मिक्स कर लें, तो ये आपका रेडीमेड मिक्सचर रेडी हो जाएगा पाउडर के अंदर। फिर इसमें आप पानी मिलाएं और कॉफी रेडी। पानी आपने ज्यादा नहीं उबालना, पानी केवल उतना ही उबालना जितना ड्रिंकेबल हो, बस आपने इसको इसके अंदर डालना, ये आपकी कॉफी रेडी हो जाएगी। और आप इसको अच्छे से स्टिर कर लें ताकि इसमें वो मतलब कि कॉफी के वो ग्रेन्यूल्स ना बन जाए, वो अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए, तो आपके लिए वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मिल्क पाउडर मिक्स्ड आता है और कॉफी मिक्स्ड आती है, केवल आपको शुगर मिलानी है उसके अंदर। ये आपकी गर्मा गर्म नेस्कैफे रेडी है इसके अंदर, और ऐसे मौसम में बारिश के मौसम में कॉफी नहीं पीने का मजा ही कुछ और। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा मेरे बाकी और वीडियोस की तरह। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने का, और प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब मी बल्लू इन UK। थैंक यू वेरी मच। चीयर्स विद द नेस्कैफे।